डॉक्टर साहब का कहना था कि आपको आना चाहिए और आज मुझे वो मौका मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। सावन के महीने में शांति कुंज में आने का मौका मिले तो ये अध्यात्म की दृष्टि से और भी अच्छा हो जाता है कि ऐसे मौके पर यहाँ आने का, इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि हमारे अध्यात्मवाद की, हमारे विकास की, हमारे विचार की, हमारी सोच की हवाएं चांद तक भी पहुंची हैं और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज गौरवान्वित महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रयान को उड़ाते हैं और भारत चंद्रमा पर पहला देश बनता है जिसका चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई उतरता है तो वह भारत का चंद्रयान है। ऐसे शुभ बेला पर सावन का महीना हो, शांति कुंज का प्रांगण हो, चांद पर हम पहुंचे हो, अध्यात्म की चर्चा हो रही हो तो यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और देश के लिए गौरव और गर्व में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। यह कल प्रधानमंत्री जी ने जो स्थान जहां पर चंद्रयान उतरा, जिसको टचडाउन कहते हैं, उस टचडाउन का भी जो नामकरण किया शिव शक्ति, वह भी भारत के अध्यात्म जगत से जिस तरीके की विचार, शिव और शक्ति का मिलन, उत्तर और दक्षिण का मिलन, यह हम सबको देखने को मिलता है तो यह भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे शिव शक्ति के स्थान को चांद पर भी अध्यात्मवाद से हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को इस नामकरण से गौरवान्वित किया है। यह भी हम सबके लिए खुशी का विषय है। मैं यहाँ जब अखिल विश्व गायत्री परिवार में आया हूँ तो पंडित श्रीराम शर्मा जी, आचार्य जी को याद करना, उनसे प्रेरणा लेना और उसी तरीके से माता भगवती देवी शर्मा जी का भी याद करना, ये मेरी परम जिम्मेवारी बनती है जिन्होंने अध्यात्मवाद के दृष्टि से गायत्री परिवार को, गायत्री मंत्र के विषय को और गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ अध्यात्म के विषय को जिस तरीके से करोड़ों लोगों के जीवन में उसको समाने का जो कार्य किया, वह मानवता के लिए अद्भुत है और वह युग बदलने के लिए एक अवस्था है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए जब मैं इस तपोभूमि पर आया हूं तो श्री राम शर्मा जी को उनके प्रेरणा से और उनके प्रेरणा से जो करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और युग परिवर्तन को आगे बढ़ाया है और यह युग परिवर्तन की ओर हम चल पड़े हैं, इसके लक्षण भी हमको दिखने लगे हैं, इसके लिए भी जो उसका बीज उन्होंने रखा था वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए उनको हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और उनको हम इसके लिए उनकी प्रेरणा से आगे हम आगे बढ़े, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसी फैकल्टीज हैं जिसमें काम हो रहा है और अध्यात्मवाद के तरीके को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, उनकी उपयोगिता, उनका रेलेवेंस, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका जीवन में अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को और शिक्षकों के द्वारा जो रिसर्च, जो उसमें गहन अध्ययन चल रहा है,
वह भी मानवता को आगे ले जाने में बहुत उपयोगी काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अगर पाश्चात्य जगत की विचारधारा को देखें तो एजुकेशन इज फॉर ब्रेड, शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। और जब हम अपनी विचारधारा को देखें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भाषा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से शुरू होती है और संस्कार का प्रेरणा स्रोत बनता है। शिक्षा जीवन को परिष्कृत करने का, अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का रास्ता है, यह हमको उसमें से समझ में आता है, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति के तत्व को, भारतीय संस्कृति के ममत्व को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं आप सबसे इसके बारे में भी चर्चा करते हुए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 10 साल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला, केंद्र में भी काम करने का मौका मिला। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बड़ी एकांगी रही, हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बहुत ही सीमित रही, और उसी को दुनिया ने हेल्थ मान लिया, उसी को दुनिया ने हेल्थ के दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। और वो क्या था? वो था क्यूरेटिव हेल्थ केयर। हमारे डॉक्टर, आपने सुना होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, उनसे बोलो परहेज क्या है, क्या परहेज करना, परहेज कुछ नहीं, खाओ सब कुछ, बस एंटीबायोटिक ले लो, और अगर ज्यादा बीमारी है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लो, यानी अपने शरीर को खराब भी करो और फिर उसको बनाने का इंतजाम भी करो। क्यूरेटिव पार्ट, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये 2017 में नई स्वास्थ्य नीति आई जिसमें जोड़ा गया प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव हेल्थ केयर। पहले हेल्थ को प्रिवेंट करो, उसको स्वस्थ रखो, उसको गड़बड़ ना होने दो। अब हमारे यहां शब्द आ गया लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब पहले लाइफस्टाइल खराब करो और फिर उसका उपचार मिलो। लाइफस्टाइल अच्छा रखो, इसकी कहीं भी चिंता चिंतन नहीं हुआ। तो पहले हमने कहा प्रिमिटिव, फिर हेल्थ को प्रमोट करो, और फिर अगर बीमार पड़ते हो तो क्योर भी करो, और कुछ ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो तो उसमें शरीर को किस तरीके से लंबी अवस्था तक ले जा सकते हो, इसकी चिंतन करो, पैलिएटिव भी रखो। तो ये सोच लेकर के हम चले, और मुझे खुशी होती है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज योग, आयुर्वेदा और वनस्पति औषधि पर रिसर्च करके आगे बढ़ रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने स्वास्थ्य को भी सर्वांगीण रूप में देखने का प्रयास किया है। और वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वो सभी तरह की विद्या को अपने पास आने देने की क्षमता रखने वाला है, बंद दरवाजे की तरह नहीं। आप किसी डॉक्टर से, मैं लंबे समय स्वास्थ्य मंत्री रहा इसलिए पूछता हूँ, एलोपैथी वाले से बात बोलो, वो वी डोंट नो आयुर्वेदा, मैं हमें नहीं मालूम, योगा होगा हमें नहीं मालूम, जीवन में करते सब है लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि एक ही छत के नीचे योग भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, सिद्ध भी होगा, एलोपैथी भी होगा, हर एक तरीके का विचार, समग्रता में सोचो, समग्रता में सोचो। और उस काम को आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। जहां तक सेल्फ रिलायंस का सवाल है, उसमें आपने जो आदर्श ग्राम की कल्पना को आगे बढ़ाया है और सेल्फ सस्टेनेबल ग्राम बनाने की जो आपने कल्पना की है, उसके लिए भी आपको साधुवाद। आप इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी कल्पना में तो पहले ग्राम अपने आप में स्वावलंबी होता था,
गांव में सारी व्यवस्थाएं आपस में मिलजुल करके व्यवस्थाओं को स्थापित करने की व्यवस्था थी। ये तो हम लोगों ने हर जगह सरकार पहुंचा दी और सरकार पहुंचने के तरीके से विचार आ गया, जो करे सो सरकार, मेरी बावड़ी का पत्थर भी लगे तो सरकार, और हमारा अपना कोई योगदान नहीं। लेकिन समाज और स्वावलंबी गांव के आदर्श ग्राम की कल्पना को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं इस विश्वविद्यालय के विचार को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। नारी शक्ति की दृष्टि से नशा मुक्ति के लिए और नशा मुक्ति के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए और उसके लिए स्वच्छता स्वच्छता के साथ साथ हमारे सरोवरों का बनाना, फिर वृक्षारोपण, इन सबको भी आपने जो आगे बढ़ाया है वह भी बहुत ही अच्छा कार्य है। व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से जो आपने साधन को यानी व्यक्ति का निर्माण जो आपने इस कार्य को लिया है, यह भी युग बदलने में अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक युवा की चेतना का सवाल है, उसके लिए भी नैतिक बौद्धिक शक्तियाँ बढ़ें और सामर्थ्य बढ़े युवाओं का, यह भी देश देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस कार्य को और शांति कुंज अपने आप में इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं ये जरूर, मुझे संतोष भी है और मुझे विश्वास भी है कि सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक पायनियर इंस्टीट्यूशन के रूप में देश में अपना योगदान करेगा, यह मैं मानता हूं। और इसी के माध्यम से आगे चल करके परिवर्तन आएगा। विचारों में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है, व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तो देश में परिवर्तन आता है। यह एक जिस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें यह विश्वविद्यालय के कार्य हमेशा हम सबको प्रेरणा भी देंगे और आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी इससे अलग नहीं है, विकास भी होना है और विरासत को भी संभाल के रखना है। विरासत मतलब कोई विरासत में मिली हुई बिल्डिंग नहीं होती सिर्फ, विरासत का मतलब होता है विचारधारा भी, विरासत का मतलब होता है हमारी जीवन शैली जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक विचार करके जिसको प्रतिपादित किया, उसको भी संभाल के रखना और विकास के साथ उसका समन्वय करना, उसको आगे बढ़ाना, यह भी उसमें से जुड़ा होता है जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जहां एक तरफ विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में मैंने चर्चा की है, वहीं जहां तक वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है और जो G20 का थीम भी है, अब ये भी अगर आप देखें तो भारत के विचार को G20 के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब मैं ये कहता हूं तो मेरे मन में जो विचार आते हैं वो आपके साथ मैं जरूर आत्मसात करना चाहता हूं। जहां तक भारत की हमारी विचारधारा है, ऋषि मुनियों की विचारधारा है, लंबे समय तक जिसको हम लोगों ने और जो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है, वो है विचारधारा कि हम सबको समान दृष्टि से देखें, सबके बीच में समरसता होनी चाहिए और सबके बीच में समन्वय होना चाहिए, और समन्वय की दृष्टि से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो हम हैं वो आप हैं, जो आप हैं वो हम हैं, जो ईश्वर का अंश हमारे में है वही अंश आप में है, और आपका और हमारा समन्वय तभी संभव है जब हम आपके साथ समरसता के साथ जीवन बिताने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का हम विचार रखते हैं। ये अब इसको हम कई शब्दों में कई उदाहरणों से हम इसको स्थापित कर सकते हैं और इसी को लेकर के हम लोग आगे चले हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, पर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहा, जो पाश्चात्य देश के सोचने की का तरीका रहा, वो तरीका ये रहा कि मनुष्य सबसे सुप्रीम है एंड एवरीथिंग इज मेड फॉर बाय द गॉड फॉर द ह्यूमन बींग, मनुष्य के लिए ही सारी चीजों की रचना की गई है,
और इसलिए इनका उपयोग नहीं उपभोग करना हमारी जिम्मेवारी है, बाकियों का उपभोग होना यह निहित है। यह सोच लेकर के वो चले। और आप देखिएगा उनकी शब्दावली भी अगर आप देखें तो आपको कहीं भी शब्दावली में क्या बोलते हैं, वो अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, दे नेवर से यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, वो कभी नहीं कहते, क्योंकि जो मन में है वही जवान पर है। एक्सप्लॉयट करो, निकालो जो कुछ है प्रकृति का, उसका उपभोग करो, ये सोच लेकर के पाश्चात्य जगत कर। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन, हमें ये एक्सप्लॉयटेशन शब्द ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहने में पीड़ा होती है। हम जब भी कहेंगे तो हम कहेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उतना लो जितना आवश्यक है, उतना लो जितना पृथ्वी के साथ समन्वय बन सके, उतना करो, उतना प्रकृति को छेड़ो जो आवश्यक है, और सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमको आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मुझे ये भी ध्यान में आता है कि COP22 तक इनको मशक्कत करनी पड़ी। अब ये लोग कहने लगे हैं कि नहीं 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 नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहिए। अब चर्चा, मतलब ऐसा कहना ठीक नहीं है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपने, अब आजकल चर्चा कर रहे हैं ग्रीन कार्बन की, आजकल चर्चा कर रहे हैं ये जो हमारे फॉसिल्स की और हमारे जो ये एमिशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक समय में इसी को वो पूरा उपयोग करते रहे, और आज भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, ये डेवलप्ड नेशंस, और सबसे कम कौन कर रहा है, भारत, और भारत फिर भी जिम्मेवारी लेता है कि विश्व के लिए हम पर्यावरण की संरक्षण के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ये है हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये विचार से आती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। और आज ये COP22 में इसको रोको, इसको संभालो, इसको संभालो, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल फोरम्स पर किस तरीके से भारत का कमिटमेंट रखा है, और भारत ने उसमें लीड ली है, प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व दिया है दुनिया को, और वह बात भी हम सबको समझ में आती है, ध्यान में आती है। लेकिन जब हम वसुधैव की बात वेस्टर्न वर्ल्ड की दृष्टि से करते हैं तो हमारे मन में दो शब्द आते हैं, एक ग्लोबलाइजेशन और दूसरा ग्लोबल मार्केट, यही शब्द समझ में आते हैं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। और संचार क्रांति के कारण आज दुनिया छोटी हो गई, एक एक एक, एक गांव बन गया है, हम उसको एक तरीके से विलेज बोलते हैं, गांव की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे संचार क्रांति से सारी चीजों की जानकारियां बढ़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी समझना है कि यह अगर दुनिया छोटी हुई है, वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, और अगर वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसका हमको मानवता के लिए उपयोग करना है या हमको विध्वंस के रास्ते को आगे ले जाना है, यह भी हमको सोचने की आवश्यकता है, यह भी हमको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें भी विचारधारा के दृष्टि से देखा जाए तो हमारी विचारधारा में ग्लोबल मार्केट की जब बात आई तो हम लोगों ने हमेशा कहा सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, सस्टेनेबल जब करना है तो उस सामने वाले के बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम आप याद करेंगे तो 32 साल पहले जब रशिया का विघटन हुआ तो उस विघटन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एकमेव महाशक्ति अमेरिका है और अब वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी और वर्ल्ड कैपिटल मार्केट बन जाएगी और दुनिया एक बाजार बन जाएगी और उसको दुनिया को बाजार के रूप में देखना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा, ये सब कहा गया 32 साल पहले, ज्यादा देर नहीं। लेकिन आज 32 साल बाद अमेरिका को ही अपनी मार्केट के लिए
विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह भी हमको समझना चाहिए। इसका मतलब बाजारवाद, कैपिटलिज्म, इसका मतलब ओपन कंपटीशन, ये सारी चीजें संयमित तरीके से जब चलती हैं तो आगे उसका विकास होता है, मानवता के लिए जब होती हैं तो ठीक रहता है। लेकिन ये जो कट थ्रोट कंपटीशन, ये जो शब्दावली सब आई, ये कट थ्रोट कंपटीशन ये करने वालों को ही कट थ्रोट कर देता है, यह भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए उनके शब्दावली क्या है, दोहन, उनके शब्दावली क्या है, शोषण। और सोच और विचारधारा में क्या आता है, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा। और हम कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं उदार भाव से, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण परिवार, सब में हम हैं और हम सब में हैं, इस विचार को लेकर के चलते हैं। और इसीलिए जब बाजार शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्पर्धा होती है।